और खास करके जो विपक्ष के द्वारा ये बात उठाया जा रहा वो बिल्कुल ही असत्य है और इस तरीके का नहीं हुआ। और खास करके देखिए मुझे कार्यक्रम में जाना था और मैं विधानसभा की वजह से मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया और मेरे कार्यक्रम में एज ए पार्टी अध्यक्ष नाते मंत्री के नाते हमारे पूरे बिहार में संगठन के वरीय पदाधिकारी हो चाहे बूथ का हो या बड़े पदाधिकारी हो हमारे स्वागत के लिए हमेशा पदाधिकारी वहाँ पे पहुँचते हैं और बिहार में खास करके मेरे छोटे भाई दौरे पे हैं जनता के बीच में घूम रहे पार्टी को विस्तार कर रहे हैं तो उस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुँचा वहाँ पे उससे पहले ही वो खुद पहुँच चुके थे। बाद में पता चला कि मैं वहाँ नहीं पहुँच रहा हूँ और मैंने आदेश किया पदाधिकारी को कि गाड़ी जो वितरण करना था खास करके एससी एसटी अति पिछड़ा समाज के लिए राज्य सरकार के तरफ से स्कीम चलाया जा रहा है जिसमें 90% अनुदान मिल रहा है और उन लोगों को गाड़ी मुहैया कराना था वितरण करना था तो मेरे नहीं जाने के कारण वहाँ पे पदाधिकारी के द्वारा वितरण किया गया और वहाँ पे आप एज ए पार्टी अध्यक्ष के नाते या एक मंत्री के नाते मेरा छोटा भाई था तो वहाँ के पदाधिकारी भी या मीडिया भी उनको थोड़ा प्रमोट कर दिया गया और ये इंटेंशन कुछ भी नहीं था कि कार्यक्रम उनको जाना था उनको प्रमोट कर दिया गया है और कार्यक्रम में वहाँ पे कुछ फोटो वोटो निकला है। मैं आने वाले समय में इस पर ध्यान रखूंगा इस तरीके से नहीं हो और इस तरीके अगर लोगों को अगर तकलीफ है तो खेद प्रकट भी करता हूं कि आगे भविष्य में इस तरीके से ना हो और कहीं पे भी ऑथराइज कि वो उद्घाटन करने के लिए गया या ऐसी कोई बात है तो कोई मुझे साबित कर दे उसके लिए जो जुर्माना हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए विपक्ष तो चाहता है कि यहाँ से हटे और हम लोग से मिल जाए तो इसका मतलब थोड़े है रहा कि देखिए आधिकारिक तौर पे वो कहीं पे भी कोई कार्यक्रम में नहीं गए हैं और ना कभी जाएंगे ये क्लियर है और रहा कि वहाँ पे कार्यक्रम में गए थे पार्टी के एज ए डेक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है ठीक है हम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन वो पार्टी का अध्यक्ष है और भाई रहने के नाते वहाँ पे मीडिया भी या पदाधिकारी भी उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिए कि प्रोजेक्ट कर दिया गया तो ये हम चाहेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। भाई को नहीं भेजना चाहिए था भाई को भेजा नहीं गया हमारे कार्यक्रम में भाई हो या बूथ का अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो हमारे कार्यक्रम में सबको वहाँ स्थानीय अगल बगल में अगर कोई है तो हमारे कार्यक्रम में आना अनिवार्य रहता है तो वो हमारे कार्यक्रम हमें रिसीव करने के लिए वहाँ गए ना ही के वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए सब कुछ नहीं किया सब कुछ नहीं किया बोलना ये बोलना उचित नहीं है। देखिए मैं मेरे पास विभाग से दो गाड़ी मिला है और मेरे साथ 10 गाड़ी घूमता है और कभी कौन गाड़ी किसके साथ रहता है जहाँ हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का गाड़ी नहीं है सर्विसिंग के लिए गया तो मेरा गाड़ी पे पदाधिकारी घूम रहे हैं। अभी मैं अपना पर्सनल गाड़ी पे आप देखते रहेंगे फॉर्चुनर मेरा पर्सनल गाड़ी पे मैं घूम रहा हूँ उसका गाड़ी का पेट्रोल तक भी मैं अपने तरफ से मैं लगाता हूँ क्योंकि मुझे छोटा गाड़ी पे नहीं बैठना है तो ये सब चीज नहीं है। दो गाड़ी मिला और कौन गाड़ी कभी आपको बुलाया था देखा जाए तो एक्सेप्ट है कि थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल को तोड़ा गया भविष्य में इस चीज को ध्यान रखा जाएगा जानबूझ के गलती नहीं किया गया है अनजाने में कुछ मैं मानता हूँ इस तरीके से नहीं होना चाहिए नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने उनके पास जो जानकारी थे तो वो हमने उनको शेयर किया कि ये सारी चीजें हैं मैंने जानकारी उनको मुहैया करा दिया और विशेष अगर चीज है तो मुख्यमंत्री जी खुद आप लोगों को बता देंगे सारी बात मुझे कोई ऐसा सलाह नहीं दिया मुझसे जो जानकारी पूछना था मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया।